समझो बंदर का लगा हुआ है हाँ। छिल गया बंदर ने ऐसे मारा लेकिन बंदर से भी तेज था गाइस। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? तो गाइस अभी हम लोग हैं वृंदावन में और भाई लोकेशन ही ना एक नंबर की सीपी में आए हुए हैं अभी। और मेरे को पता चला है हेमा मालिनी का घर है। कहाँ पे? यहाँ पे है। कहाँ पे है? पूछते हैं भाई यहाँ पे हेमा मालिनी का घर है। अच्छा ये बंगला यहाँ आती है वो हेमा मालिनी अभी आई कल परसों चली गई। ओके नाइस। सांसद है ना एमएलए ये रहेगा एमएलए हमारा। गोपू जी भी रेडी हैं वृंदावन में। गोपू जी सब रेडी हो चुके हैं यहाँ पे। अंकित जी यहाँ पे दीदी और ये अपने साहिल भाई। सो गाइस ये अपनी भाई प्यारी प्यारी काची स्कॉर्पियो स्क्रैच मार दी मैन भाई सब ये क्या लाइट लाइट गई ये कहाँ पे फोड़ी है वो भाई ये पहले से था या अभी हुआ है भाई है? ये स्क्रैच भाई पहले ही है पहले से था ना पहले से ही था ये अब तक इसको यही नहीं पता पहले से था या अब हुआ। बहुत बढ़िया पास से दिखा देता हूँ भाई हेमा मालिनी का घर ये देखो भाई सब। अभी हम यहाँ से पैदल पैदल जा रहे हैं। यहाँ से लेंगे हम ई रिक्शा क्योंकि वहाँ पे ना कार में दिक्कत आ जाएगी क्योंकि भाई जाम वाम लग गया ना और स्कॉर्पियो तो मुड़ भी नहीं पाएगी तो अभी पैदल पैदल ई रिक्शा पकड़ रहे हैं यहाँ से। स्कॉर्पियो भाई मुड़े को नहीं करती स्कॉर्पियो भाई ऊपर को जाया करा। सो गाइस अभी हमने दो रिक्शा ई रिक्शा बुक कर लिए गेरी और इसमें पापा और अंकल जी और सारे चलो बेबे चलो जी चलो राधे राधे। हमारी बहन है ना मेरी बेटी है ये बड़ी देख बोल श्री बाके बिहारी लाल की जय। मम्मी भाई देख के गोपाल जी बैठे हैं यार ठाकुर जी है भाई शर्मा जाती है बहन भाई सही से पकड़ ले गोपाल जी को कोई दिक्कत नहीं है तू नहीं कैरी कर पा रहा राजी दे दे मेरे को देख लो। हाँ हाँ ऑफ कोर्स ओ भाई राम से बिल्कुल क्योंकि तेरे पैर हाथ दुख रहे हैं ना। सो गाइस मीनू बता देता हूँ कौन है। मीनू हमारी प्यारी प्यारी बेबे है येरी बेबे। हेलो कर दे हेलो कर दे मीनू राधे राधे कर दे राधे राधे बोल दे मीनू राधे राधे। तो भाई बहुत ही प्यारी बेटी है हमारी सबकी दुलारी और मेरी बेस्ट बहन है भाई सबसे मीनू साहिल की बहन है सगी और मेरी भी सगी है मेरी सगी है साहिल की है मेरी है। चश्मे का ध्यान रखना भाई ठीक है ना भाई मेरे को तो अपना आप तो चारों चश्मे वाले हैं एक बार ना पता क्या चुन्नी ओढ़ लूंगी चुन्नी भाई उनका चश्मा ले गया एक मंदिर उतार ले भाई फायदे में रह जाएगा मजाक नहीं उतार ले सही कह रहे हैं ऑटो में से ले गया ऑटो में से भाई ये ई रिक्शा में से यहाँ पे यहीं पे था मंदिर वो लेडी चिल्ला रही है फ्रूट नहीं दे रहे अभी बंदर को। अभी हम वृंदावन की गलियों में आ गए भाई साहब यहाँ बंदर ही बंदर और वो कह रहे थे भाई फोन का भी ध्यान रखना हो गया। मम्मी ने उड़ ली चुन्नी बचाव के लिए मेरे को और कुछ भी नहीं दिख रहा मैं बस व्लॉग बनाए जा रहा हूँ ठीक है ना मेरे को ऐसे शर्म सी आ रही क्योंकि मेरे को कोई मैं किसी को देख ही नहीं पा रहा। भाई यहाँ पे ना फील यार बहुत ही यार कहते हैं ना मतलब सुकून मिल गया दिल को ऐसी फील आ रही है यहाँ पे। यहाँ से एंट्री होगी गाइस भाई कहते हैं ना यार इतनी भीड़ हो रखी है देखना घूम के भैया आप सारे दबे हुए हैं चलो 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 चलो। तो बिना राधा राधा ये लगवा लिया भाई अब लग रहा है कि वृंदावन आ रखे तब ना कुछ फीका सा लग रहा था। जय हो उतार ले भाई चश्मा ये चश्मे का बहुत ज्यादा पंगा यहाँ पे बंदर ही बंदर हो रखे हैं यार। हेलो गाइस हमारे लिए यहाँ का गेट खुल गया है और अब हम अंदर जा रहे हैं तो आज ही वाह चलते रहो। हेलो गाइस अभी एंट्री करने वाले हैं जय हो Bravo, bravo.
अभी हम बाहर आ गए भाई, दर्शन हो गए खतरनाक वाले। देखियो मैं तो ना अंदर से मिला, ये भी ना माला अंदर से डब्बा मिला भाई साहब प्रसाद। तू बढ़िया दर्शन करके आया ना करंबर भाई, और कहते हैं ना मतलब इतनी धक्का मुक्की दर्शन हुए सच में। मतलब एक बार तो कांप से गए थे भाई अंदर से कि क्या हो रहा है सब, इतनी गर्मी हर जगह बंदर ही बंदर यार। मैं तो कुछ मजे नहीं ले पा रहा भाई, मेरे को लग ही नहीं रहा मैं वृंदावन में हूँ, वृंदावन की गलियों में चल रहा हूँ लेकिन कुछ भी सही से देख नहीं पा रहा यार। बताओ यार बंदरों का गल चक्कर है भाई, इन्होंने देखो कोबरा भाई साहब भाई, अगर इसने बुटका बाज लिया तो भाई इधर लगते है ये जिंदा है वह, ये जिंदा ही वाला, फिर ये कुछ कर क्यों नहीं रहा वो भाई भाई डर लगता है भाई जी, डर लगता है भाई। और कौन कौन से आपके पास? नहीं और तो सब ये कोबरे हैं, जहर वाले होते हैं ये, जहर है इसमें, इस समय तो जहर इसका मंत्र सारा बंद कर रहे भैया। एक 20-20 रुपए दो मेरे गले में डाल दो भैया, लो जल्दी पकड़ लो, नहीं पागल है भाई, ओए मजाक नहीं होता इन चीजों का, ये हिलते है ये हिलाना ये, चलो चलो चलो। मम्मी तो बहुत ज्यादा डर जाती है, और ये कह रहा मम्मा, ये ऐसे कह रहे गले में डाल लूं, देखो बेटा तेरे बच्चों के नाम से, ये कौन सा सांप है अंदर बाबा आया आजकल ना के बेटा, 1 रुपया दे जा भगवान के नाम पे बेटा, दे जा तुम्हारे बच्चों के नाम से भाई, बहुत खतरनाक है, 1 रुपया दान माना बेटा भाई। अभी भी राहुल भाई पे अटैक किया, ले गया चश्मा, ले गया बच गया, बच गया भाई, तभी तेरे को कह रहा हूँ हैं, मुंह पे पंजा मारा लगा भाई साहब, बच गया भाई तू। ये तो मैंने तेरे को बता दिया, वरना अब ले जाता भाई, पहला इंसान हो गया। हाँ चश्मा चश्मा लेके जा रहा था। अब यहाँ पे चल रही है मिट्टी लस्सी, आहा लो 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 सभी पियो। मेरा ऑपरेशन करवा दिया खुआ, मैं कुछ नहीं देख पा रहा यार भाई, वृंदावन आना पड़ेगा तो ऑपरेशन करवा के आना भाई आंखों का, चश्मे की ये देखिए निकल गई ये, तू ये सोच की चश्मा बच गया, बंदर का लगा हुआ है हाँ। छिल गया बंदर से मारा, लेकिन मैं बंदर से भी तेज था गाइस। ओ कर दो बेड़ा पार राधे मेरी सरकार, जो यार अब तक एक बार भी वृंदावन नहीं आया ना यार, मैं तो कह रहा हूँ एक बार अगर तुम आ गए ना भाई हमेशा हो गए। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं खाना वगैरह खाने, और अंकल कह रहे हैं कि चला ले बेटा, चला लूं अंकल है थोड़ी सी बारी ना बेटे रेस है अंकल है सही है भाई। तो भाई पहले खाना वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद तुम्हें इस्कॉन टेम्पल पे लेके चल रहा हूँ। गाइस अभी यहाँ पे खाना चल रहा है यार, सब कहते हैं ना मतलब भूख से पागल हो रखे हैं, पागल हो गए भाई। और ये तो कुछ और ही खाया है, अकेला साहिल और ये दोनों, चलो जल्दी खाना खा लेते हैं फिर मंदिर चल रहे हैं। तो गाइस अभी हम मम्मी के आश्रम में जा रहे हैं, यहाँ पहले आते थे भाई हमारे गुरु जी यहीं पे रहते थे, ये रसोड़ा यहाँ पे खाना बनता है प्रसाद बनता है। इस आश्रम को भाई अवार्ड मिला हुआ है 2400 कह रहा हूँ 24 घंटे, मतलब यहाँ कीर्तन होते रहते हैं मतलब नॉन स्टॉप, एक मिनट भी ऐसे कहते हैं ना ब्रेक नहीं, मतलब हर टाइम यहाँ कीर्तन होते रहते हैं, अवार्ड मिला हुआ है वृंदावन में। ये थे हमारे गुरुजी। अभी हम कर रहे हैं परिक्रमा,
चलो अब तुम्हें पास से दर्शन करवाता हूँ बांके बिहारी जी के। चल अंदर अंदर चल भाई। यहाँ पर कोई है भी नहीं। बाबा बाबा ये बाल बाल सो रहे हैं क्या? भाई अभी हमारे गुरु जी को उठा रहे हैं। कोई नहीं राहुल उठा ले। बाबा 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 जी चला राधे राधे चला जा जा चला जा। भाई ऐसे मत जा अंदर। बाबा जी पैर पे ऐसे हाथ लगा। बाबा जी तो यहाँ कब प्रसाद पाएगा? यहाँ पे आप बताओ बाबा कब प्रसाद पाएगा? कल पाओ। तो भाई यहाँ पे अभी मम्मी जी के यहाँ पे क्या बोलते हैं इसे आश्रम में नहीं नहीं यहाँ पे इस जगह को पालकी कहाँ पे जाके चक्को पंगत में सॉरी हाँ पंगत में वो बाबा देखना उनके मतलब बिहेवियर से थोड़ा लगता है कि बहुत पुराने पुराने जमाने। यहाँ पे ना शिष्या कुछ भी नहीं है। शिष्या नहीं है? शिष्या नहीं होती ना चम्मच होती ना चम्मच होती हाथ से खाना होता है। अच्छा इनके पास तो थाली है पहले तो मम्मा उसमें मिलते थे ना ये बाबा जी की इन बाबा जी की परमानेंट है। अपन जैसे आते हैं वो हम आपा को तो उसमें मिलेगी ना जो पत्तल वाली होती है। ओके ओके अभी भोजन आ गया है भोजन प्रसाद आ गया हम पूरा हिंदी मीडियम हो रखा है। चलो भाई अभी प्रसाद खा लेते हैं। अभी हम आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल। अभी अंदर चलते हैं फिर तुम्हें अंदर का दिखाता हूँ क्या कुछ चल रहा है।
मम्मी पापा दोनों डांस करेंगे। गाइस अभी हम निकल रहे हैं प्रेम मंदिर। यहाँ पे भाई मन लग गया था, यूं लग रहा था यहाँ से जाए ना कहीं पे, तो अभी चलो तुम्हें प्रेम मंदिर लेके चलते हैं। सो अभी यहाँ पे चल रहे हैं बढ़िया से गोलगप्पे पानी वाले। अंकल जी कितने के दे रहे हो? 10 के। 10 के 5 दे रहे हो? चलो बताओ अंकल, ऐसा कौन सा आदमी है जो चाहे कितना भी अमीर हो पर कटोरा लेके खड़ा हो जाता है? सो गाइस अभी हम पहुंच गए प्रेम मंदिर, बस अब अंदर जाएंगे जल्दी से। भाई टाइम बहुत कम है, एंट्री नहीं होगी फिर अपनी। हाँ आज तो पूरा भक्त बन रहा है छोरा। राधे राधे जी। वाह यार लाइटिंग देखो तुम, क्या गजब लग रही है यार। भाई लाइट चली गई। भाई ये देखो चूहे रोटी खाते हुए, मैंने पहली बार ऐसे देखे हैं। पूरी रोटी सरकारी मुझे रोटी। ओ भाई ले गया भाई रोटी, ले गया रोटी, ले गया भाई। आज जी आ जाओ। ओके गाइस इस व्लॉग को इंपैंड करते हैं, लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर देना। कल का तुम्हें बताता हूँ क्या कुछ सीन है, अभी कुछ नहीं पता मैं, कल का कल देखते हैं। ठीक है शेयर कर दो, बाय।